वीडियो में दिख रहे चार एक्टर्स बॉलीवुड के रीढ़ की हड्डी हैं। महानायक अमिताभ बच्चन जी को पद्मश्री अवार्ड मिला सन 1984 में। शाहरुख खान जी इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड मिला 2005 में। अजय देवगन जी इन्हें भी अवार्ड मिला सन 2016। अक्षय कुमार जी को भी पद्मश्री अवार्ड मिला सन 2009 में। और इनसे मिलिए, इन्हें लोग कहते हैं दबंग खान, जो बॉलीवुड के सबसे दबंग हैं। इन्हें ना तो पैसों की कमी है ना ही शोहरत की कमी है, पर ये टीवी पर वह प्रोजेक्ट बेचते हैं जो साल में लाखों लोगों की जाने ले रहे। आप समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा किधर है। सोशल मीडिया पर टोबैको प्रोडक्ट ना बेचने की बात करने वाले अक्षय कुमार भी विमल बेचते नजर आ रहे हैं। और चालाकी तो देखो, नाम दिया गया इलायची, वही जो आपके घर से 10 किलोमीटर दूरी में भी किसी दुकान पर नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप पान मसाला मांगेंगे तो आपको जगह जगह मिल जाएगी। लोगों की जान लेने वाला यह प्रोडक्ट या धुरंधर इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इन्हें मुंह मांगी रकम मिलती है। ऐड करने के लिए अक्षय कुमार ने बड़ी चालाकी से जनता से माफी तो मांग ली, लेकिन यह भी लिख दिया कि एग्रीमेंट की वजह से हो सकता है ऐड टीवी पर दिखे, लेकिन मैं इसके आगे नहीं करूंगा, और करोड़ों रुपए अंदर कर लिए। यह भूल गए हिंदुस्तान के करोड़ों लोग इन्हें पसंद करते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं। इनके बाल के स्टाइल, इनके कपड़े, इनके जूते, इनकी पसंद और इनकी नापसंद सभी फॉलोअर्स अपनाते हैं। और इन सबसे अच्छा तो साउथ का वो हीरो अल्लू अर्जुन था, जिसने खुले शब्दों में कह दिया कि जिस प्रोडक्ट को मैं यूज नहीं करता उसका एड बिल्कुल नहीं करूंगा, वह कुछ भी हो। गिरे हुए बॉलीवुड के पांच सितारे आखिर साबित करना क्या चाहते हैं? एक दो दिन खाकर दिखाएं तो शायद इनकी तारीफ मैं जरूर करता। इनके आचरण को देख कर सरकार ने इन्हें पद्मश्री अवार्ड तो दे दिया, पर सरकार भूल गई कि इसे छीनने का भी एक नियम होना चाहिए। लोगों के नशे की लत लगवाने वाले ये बॉलीवुड एक्टर खुद तो अरबों रुपए अंदर कर रहे हैं, लेकिन लोगों को तबाह कर रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करके। यही नहीं, इन गुटखा कंपनियों की होशियारी तो देखो, गुटखा और पान मसाला का ऐड नहीं कर सकते तो वैसा ही पाउच इलायची का बनाकर सरकार को बेवकूफ बनाते हैं, और सरकार भी खामोश बैठी है। वही सरकार जो कुछ साल पहले गुटखा पान मसाला को बैन करने का अभियान चला रही थी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, भ्रष्ट है ये सिस्टम और भ्रष्ट है सिस्टम में बैठे लोग। अगर आपको भी लगता है कि मेरे शब्द सही हैं तो वीडियो पर लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये बॉलीवुड एक्टर जनता को किस दिशा पर लेकर जा रहे हैं। अपने चाहने वालों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना और उनकी जिंदगी से खेलना कितना उचित है इन एक्टर्स के लिए, जो चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं और अपने चाहने वालों को ठेस भी पहुंचाते हैं।